अभी तक की सिचुएशन देखी जाए तो केवल और केवल संजय लेक से जो सैंपल्स लिए गए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बत्तखों के सैंपल लिए गए थे वहां पे, तो वहां पर कार्रवाई की जा रही है। उस इलाके में उस इलाके को थोड़ा सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि लोग वहां ना जाएं, और अगर कहीं कुछ पंख उसके फैले हों या उन सबसे जिससे भी खतरा है वो ना करें। लेकिन उसके अलावा अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जो जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। जालंधर में कुछ सैंपल भेजे गए हैं, उनकी रिपोर्ट आनी है। मैंने सुबह अधिकारियों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ में इसकी पूरा रिव्यू किया है, पूरी सिचुएशन का। मैं उस रिव्यू के आधार पर आम जनता से कहना चाहता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन, अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। तो चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे पैक्ड एंड प्रोसेस्ड चिकन स्टॉक हो, दोनों पर अभी दिल्ली में बाहर से लाके बेचने पे पाबंदी रहेगी।